भाई कोरोना वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार के सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक के लिए। और बिहार में रिलीज़ हुई थी इस बार की दो बड़ी भोजपुरी फिल्म, एक मेहंदी लगा के रखना 3 और दूसरी रिलीज़ हुई थी पवन पुत्र। जी हाँ, मेहंदी लगा के रखना 3 को बहुत ही बम्पर ओपनिंग मिली थी। 35 सिनेमा घरों में यह फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसके बाद यह फिल्म झारखंड में रिलीज़ हुई थी। 35 सिनेमा घर इसे अवेलेबल हुए थे और बाकी के पवन पुत्र के लिए थे। आपको बता दें कि अब सिनेमा घर बंद हो जाने के कारण, यानी कि 31 मार्च तक बंद हो जाने के कारण फिल्म अब इसमें नहीं चलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि फिल्म को लॉस बहुत होगा, क्योंकि फिल्म ने बहुत अच्छी ओपनिंग ली थी और फिल्म ने 2 दिन में अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते फिल्म पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी की बात क्या है, यानी कि 1 अप्रैल को भाई खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन करने वाले हैं और मेहंदी लगा के रखना को उन 35 सिनेमाघरों में फिर से रिलीज़ करने वाले हैं, यानी कि दोबारा रिलीज़ करने वाले हैं। और फिर यही हाल पवन पुत्र का भी होगा। फिल्म अभी भले ही सिनेमाघरों में नहीं चल रही है, लेकिन इसको 1 तारीख को फिर से रिलीज़ किया जाएगा और दोनों ही सुपरस्टार अपने इस फिल्म का प्रमोशन जमकर करेंगे। इससे भोजपुरिया जगत के दर्शक तो निराश जरूर हुए हैं, लेकिन भाई ये ज़रूरी भी है। अगर सेहत की बात करें तो भाई आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अगर आसपास संक्रमित पाया गया कोरोना वायरस से, जहां आप बैठ के सिनेमा घर में सिनेमा देख रहे हैं, इससे काफ़ी इफ़ेक्टेड होंगे वहां बैठे लोग, क्योंकि आपको तो पता ही है कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है और अभी तो देश में इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने अपनी जनता की सुरक्षा के मद्देनज़र ये कड़ा फैसला लिया है कि बिहार के सारे सिनेमाघरों को बंद कर दिया जाएगा 31 मार्च तक के लिए। 1 मार्च को फिर से उन्हें स्टार्ट किया जाएगा। वहां के तो शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च के लिए। तो भाई जो भी दर्शक उदास हो रहे हैं कि उन्हें आगे चलकर फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी, तो ये सिर्फ एक सीमित तारीख तक ही है, यानी कि सीमित समय तक ही है, 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को फिर से ये सब कुछ रीओपन कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।